यहाँ से निकल गया, फिर इस धान को उठा करके उसमें डालो, गाँव में निकलता कैसे है वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में मैं राज तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं तो बहुत अच्छा ही हूँ क्योंकि मैं गांव में हूँ उस समय, और गांव में भाई साहब इतने अल्टीमेट से उसमें नाश्ता आ जाता है ना, कभी पड़ोसी से, अभी बगल में है इधर एक चालू भाभी रहती है, भाई साहब उनके हाथ का खाना इतना अल्टीमेट मिलता है ना कि मतलब छप्पन मतलब अमृत के बराबर है उनका खाना। गाँव में की चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि गाँव के अंदर क्या है, आपस में ना रिलेशन अच्छे होते हैं, भले छोटे मोटे कुछ होते होंगे पर रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत मिलजुल के चलते हैं। पता नहीं शहरों में ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं कि एक दूसरे से जलन द्वेष और ये सब रहता है। अभी देखो मुझे ये मेरी फेवरेट गुजिया मुझे मिली है, मैं कल से खा रहा हूँ, खाली भेज दिया तो उन्होंने, मैं अभी भी खा रहा हूँ उनका। और सुबह सुबह ना ये आया है कचौड़ी आई है, इतनी अल्टीमेट है भाई सब खाने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए मैं कचौड़ी वगैरह खाता हूँ, आप भी सुबह का नाश्ता करिए। अगर सुबह वीडियो को देख रहे हो तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना। अगर आपको फैमिली व्लॉग देखने अच्छा लगते हैं तो भाई देखो अपने चमक दमक तो नहीं दिखाते पर अपन रियल व्लॉग दिखाते, देख करके मजा आया, आदमी को लगना चाहिए ना क्या जिंदगी कैसे जीते एक आम परिवार। तो मिलते हैं अभी दोस्तों, ये हम निकल चुके हैं, मार्केट जा रहे हैं और गाँव मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको दिखाएंगे जैसे कि गाँव में कैसे तेल निकाला जाता है, कैसे कैसे मार्केट होता है। वो जो सिटी में बैठ करके हम तेल वगैरह यूज़ करते हैं ना, मतलब रिफाइन कर एक चीज़ के, तो तेल देखो गाँव में निकलता कैसे है वो। यहाँ से इसमें सरसों से डाला हुआ है और यहाँ से सरसों नीचे आ रहा है, इसमें अलग अलग कंप्रेस करते हैं, इसको कंप्रेस करके और ये नीचे सरसों का तेल गिर रहा है यहाँ पे यार, फिर यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ ये स्टोर करते हैं, बाद में फिर इसको खाने पे यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली पता है आँख में ना हल्का हल्का तेल महसूस हो रहा लग रहा है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अगर देखा सबसे पहले क्या होता है, बोरी का धान इसमें डाल दिया, इसमें डालने के बाद में एक बार कूट करके यहाँ से निकल गया, फिर इस धान को उठा करके उसमें डालते हैं, फिर वहाँ से कूट करके बिल्कुल प्योर धान बाहर निकल जाता है, कुछ इस टाइप से निकलता है धान जो बाहर आ रहा है, जो आपको घर में मिलता है ना, अभी थोड़ा गर्म लग रहा है छूने में, ऐसे चावल निकलता है बाहर आता है इस तरीके से। तो गांव में रहने का यही फायदा है कि सारी चीज़ें ना शुद्ध मिलती है आपको खाने के लिए। कब से कर रहे हो काम आप, कब से कर रहे हो काम? दो साल से। चलो अच्छा दोस्तों, गांव में आपने शहर में तो बहुत सब्जी मार्केट देखा हो, मॉल देखा हो, गांव में देखो सब्जी मार्केट कैसा लगता है। सुबह सुबह खेतों से सब्जियां तोड़ के लाई जाती हैं और ऐसे ही ला करके सब्जी मार्केट के साथ साथ काफ़ी सारे चीज़ हो गए, जैसे जूते चप्पल देख रहे हो आप, हल्दी धनिया मिर्ची हो गई, खाने पीने के आइटम्स हो गए ना, सब ला करके ऐसे गाँव के किनारे मार्केट लग जाता है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। दोस्तों शहर में यही एक चीज़ें हैं जो हमको अवेलेबल नहीं हो पाती हैं और यहाँ पर हमको छोटी से बड़ी सारी चीज़ें ना हमको रोड के किनारे मिल जाती है और बिल्कुल प्योर। मैं खुद आया हूँ, सब्जी तक देखता हूँ यहाँ पर ना, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बिल्कुल सब्जी होती है, मतलब जो शहरों में हमको देखने को नहीं मिलती ना वैसे ही। तो दोस्तों हो सके ना तो गांव को ना आप गांव पे एक चक्कर भी लगाएं और कोशिश करें गांव पे एक बार जाए ना तो अपने बच्चों को भी दिखा करके आए कि भाई देखो गाँव ऐसा होता है, अपना इंडिया ना पुराना जैसा आज तक देखने को मिला है वैसा ही इंडिया है। हकीकत में गाँव में आने के बाद ही इंडिया की वैल्यू पता चलता है कि हाँ यार इंडिया कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। आप देखो गुड़ वगैरह है यहाँ पे, ताज़ा ताज़ा गुड़ भी देखा है भाई मैंने, मतलब इतना फ्रेश गुड़ जो हम सोच नहीं सकते देखने को, वैसे ताज़ा गुड़ देखने के लिए मिला है यहाँ पे, आप जो देख रहे हो स्क्रीन के अंदर। और जैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि कोई अगर कुछ खरीदने आया तो खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो वो भी मिल जाता है यहाँ पे, ये सामने ठेले वगैरह देख रहे हो तो खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो वही है, पूरा पूरा कॉम्पैक्ट मिलता है बहुत अच्छा सा। अपने नाना जी को मस्का मार करके और अभी कुछ चीज़ें लेते हुए हैं, इस लड़की का पेट नहीं भरता भैया घर की चीज़ों से, बाहर निकलेगी नहीं जब तक कुछ लेगी नहीं, तब तक कुछ करेगी नहीं। तो ले लिया इन्होंने, हम घर पहुँच गए हैं, गए थे थोड़ा घूम करके मार्केट में आने के लिए। तो दोस्तों छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्लॉग बना रहे हैं, आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो, चैनल को ऑल पर सेट करो, कमेंट जरूर करना कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा।